हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली मेरे भाई, ये हाथ में क्या है? पानी के गुब्बारे है, चलो इसे होली खेलते हैं। लेकिन ये पानी के गुब्बारे से होली कैसे खेलेंगे? इसको हाथ में पकड़ते हैं और एक दूसरे को मारकर होली खेलते हैं। तो क्या इन गुब्बारों से तू मुझे मारेगा? नहीं नहीं, आपको नहीं भैया, वो जो मेरे दोस्त है ना, होली खेल रहे हैं, हम उनको मारेंगे। क्या यही तरीका है होली खेलने का? हाँ भैया, आज के जमाने में ना लोग ऐसे ही होली खेलते हैं। अच्छा, एक काम कर, टेरेस पे चलते हैं। महेश, इन गुब्बारों में क्या है? पानी। अभी हम इसे फेंकेंगे तो क्या होगा? गुब्बारे फट जाएंगे और पानी निकल जाएगा। मतलब पानी वेस्ट हो जाएगा, और वो गलत बात है। हाँ भैया, तो क्या करें? अब तू ही बता, हम ऐसा तो क्या करें जिससे कि ये पानी किसी चीज में काम आए? आप ही बताओ ना भैया। मुझे लगता है हम इस पानी का इस्तेमाल हाँ, हम इन पौधों को पानी दे सकते हैं। ये लीजिए भैया। मेरे भाई, पानी को रोड पे बहा देने से तो अच्छा है पानी किसी चीज में काम आए। लेकिन भैया, आपको ये आइडिया आया कहाँ से? मैंने यूट्यूब पे एक कहानी सुनी थी, कहानी का नाम था देखभाल। तो उस कहानी से यही सीखने को मिला कि आपको सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो मैंने इस पौधे को देखा और मुझे ये कहानी याद आ गई, और इस पौधे को पानी देना ही मुझे ठीक लगा। अच्छा, लेकिन अब होली कैसे मनाएंगे? महेश, होली तो रंगों का त्योहार है, असली होली तो रंगों के साथ खेली जाती है। तो ये रहे रंग, और मेरे भाई को हैप्पी होली। और हाँ भैया, आपको भी हैप्पी होली। मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्तेदारों और दर्शक मित्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली तो रंगों का त्योहार है, और ये भी माना जाता है कि यह त्योहार रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन अब तो होली खेलने का तरीका ही बदल चुका है। आज के जमाने में बच्चे पानी के गुब्बारे से होली खेलते हैं। लेकिन पानी के ये गुब्बारे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, खासकर जब कोई गाड़ी चला रहा हो और उस पर ऐसे गुब्बारे फेंके जाते हैं तो वो शख्स एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकता है। इस खुशी के मौके पर आपसे मेरी यही विनती है कि ऐसी चीजों के साथ सावधानी से होली खेलनी चाहिए, और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, खुश रहिए, और अपनी फैमिली के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।